हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवर दितिमन। राजस्थान हाई कोर्ट सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ आवेदन 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है वो आयु में मिल ही रहा है सभी वर्गों को। योग्यता यहाँ पर 12th मांगी है। यदि आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी किया है तो आप यहाँ पर योग्य हो जाते हो। साथ में कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर चलेगा। वेतन जो है यहाँ पर लेवल 10 पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगा। 33,800 से स्टार्टिंग है, 1,06,700 तक मिलेगी। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो ये जो है इसका विस्तृत विज्ञापन है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से वैकेंसी आई है। 28 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब आपकी ये रहने वाली है। पेमेंट आपको काफी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड 3rd के पद हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आशुलिपिक ग्रेड 2nd यानी स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसी है, सीधी भर्ती है, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023। लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा आपका। पेमेंट 33,800 से लेकर जो है वो 1,06,700 तक मिलने वाला है। न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आपने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में जो है वो 12th पास कर रखी हो और साथ में आपको हिंदी जो है वो देवनागरी जो लिपि है उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए और साथ में आपको राजस्थानी बोली की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा कोई भी हो सकता है। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कंप्यूटर साइंस में कर रखा है या आपने जो है वो RSCIT कर रखा है या आपने 12th में भी अगर कंप्यूटर साइंस जो है वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो भी आप यहां पर एलिजिबल हो। एनी इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन कंप्यूटर के लिए इन्होंने कहा है, कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल हो, साथ में 12th। ठीक है, आयु की अगर हम बात करें तो यहां पर 18 साल मिनिमम है और 40 साल जो है वो यहां अधिकतम आयु कही गई है। इसके अलावा अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर, 5 साल की छूट जो है वो SC ST OBC, ठीक है, और मोर बैकवर्ड क्लासेस EWS, इन सभी को जो है वो आरक्षण का फायदा 5 साल मिल रहा है यानी 45 ईयर तक जो है वो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर, 5 साल की जो है छूट जो है वो हर महिला को मिल रही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की भी हो सकती है। 7 नंबर पर है, देयर शैल बी नो एज लिमिट इन द केस ऑफ विडो एंड डिवोर्स। जो विडो वुमेन और डिवोर्सिस जो वुमेन है उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज हो तो वह अप्लाई कर सकती हैं। तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मांगा है, 12th मांगा है और साथ में जो है वो कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो आपने किया होना चाहिए। ठीक है, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उनकी 5 साल की जो है वो एज में छूट मिल रही है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है जिले वाइज और जो आरक्षित वर्ग हैं उसमें जो है वैकेंसी को बांटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड 3rd हिंदी, हिंदी के जो है वो कुल कितने पद हैं यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में, तो कुल जो पदों की संख्या है वह 237 है। दूसरा जो है यहाँ पर आशुलिपिक ग्रेड 3rd हिंदी में यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में जो है संख्या 10 है। नेक्स्ट जो है वो आशुलिपिक 3rd अंग्रेजी में यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल पदों की संख्या है 16। ठीक है, उसके बाद जो है वो अनुसूचित जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो आशुलिपिक ग्रेड 3rd अंग्रेजी के कितने पद हैं, 3 पद हैं। नीचे यहां पर देखें आप ग्रेड 2nd हिंदी के लिए, आशुलिपिक हिंदी के लिए जो है यहां पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, 8 हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के ही अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में बटे हुए हैं और साथ में आरक्षित जो वर्ग हैं तो उनके लिए भी सीट रिजर्व हैं। अनुसूचित क्षेत्र हिंदी में यहाँ पर जो है वो 3 हैं पद आशुलिपिक ग्रेड 2nd के। अब यहाँ पर देखिए आवेदन करने की जो समय सीमा है वह है 1 अगस्त 2023 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 30 अगस्त 2023 बुधवार को 5 बजे तक। तो समय से पहले ही जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर दें, 30 अगस्त तक का जो है वेट ना करें। जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 25 अगस्त जो है वो लास्ट डेट जो है वो मानकर और एप्लीकेशन कर दें। परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं, एग्जामिनेशन फीस की जनरल कैटेगरी की 700 रुपीज़ है,
550 रुपये राजस्थान राज्य के अन पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की है, एससी एसटी कैटेगरी की 450 रुपये है। अन्य राज्य की महिला जो कि राजस्थान राज्य में शादी होकर आ जाती है तो उसको जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ये चीज़ जो है वो राजस्थान के जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं सभी में ये चीज़ अब आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम जो होगा तो वह क्या रहेगा, यहाँ पर थर्ड और ग्रेड सेकंड स्टेनोग्राफर के लिए कहा है कि ग्रुप ए में जो है आपका इंग्लिश शॉर्ट शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन आएगा, आपका पैसेज आएगा 6 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा दूसरा जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, तो यह आपका 50 मिनट का होगा। कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का होगा इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट। हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट जो है होगा, अब यहाँ पर ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दोनों का ही, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का ही सिलेबस दिया है। ग्रुप सी में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि सभी के लिए होगा। स्पीड टेस्ट यहाँ पर जो है वो मांगा गया है 10 मिनट का, 50 मार्क्स का। एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो है इनका जो है वो 20 मार्क्स जो है वो लाने इनको ज़रूरी हैं। मिनिमम मार्क्स ऑल अदर जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो है, ठीक है, तो इनको यहाँ पर 22.5 जो है लाने मार्क्स जरूरी हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में लिखा है साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है, ठीक है, तो आपका सिर्फ साक्षात्कार होगा लेकिन साक्षात्कार के अंक जो है ये नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है वो जानकारी दे दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।